In this video, I will discuss how to prevent cancer from happening again. Post cancer people have poor digestion, poor immunity and fatigue. Handling these issues will help stay free of cancer. Listen to the discussion with the cancer survivor to know what are the conditions which a cancer survivor goes through. For updates from the cancer patient, please check the description to this video. Hello. हाँ नगेंद्र जी, सुष्मिता बोल रही थी. वो मम्मी के बारे में आज तो उनका फिफ्थ डे है और जैसे आपने बताया आज भी वो 6 glasses of water लेगी टू विथ मिल्क. तो मैंने उनको इम्प्रूवमेंट पूछा तो उन्होंने बोला कि कुछ खास अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, मतलब अभी भी वो बर्पिंग हो रहा है. तो ऐसे वो बोली तो वही मुझे आपसे मतलब ऐसे कंफर्म करना था कि मतलब अगर कुछ प्रोग्रेस तो खास नहीं दिख रहा है तो आपको क्या लगता है? वॉक एंड रेस्ट कर रहे हैं ठीक से? हाँ, वॉक एंड रेस्ट 3 times कर रहे हैं वो, 1 घंटा करके सुबह शाम, सुबह दोपहर और शाम को कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं. दोबारा से पानी कम कर रही है? दोबारा से पानी कितना कम करे? कितना रोटी खाते हैं? मतलब वो सुबह रोटी खाती है और 2 times चावल और फिर कभी कभी छिल्ला ऐसे खाती है. 2 times चावल, 1 time रोटी और 3 रोटी तो खाती है सुबह. और दोपहर को राइस और रात को राइस. ठीक है, आप 1-1 glass रखिए, 3 glass रखिए दोबारा से. सुना नहीं दे रहा, फिर से बताइए ना. 1-1 glass खाने के साथ में, ईच मील के साथ 1 glass. अच्छा, तो ज्यादा डिहाइड्रेशन तो नहीं हो जाएगा ना इससे? उनको प्यास लगती है इतना कम करने पर? उनको प्यास थोड़ा बहुत लगती है. कितना वेट है उनका? उनका वेट एक्चुअली बहुत ही कम है, मतलब उनका हाइट है 4.9 और उनका वेट है 43-44 ऐसा. 4.9 है हाइट? हाँ, 4.9 है हाइट. 43-44. हाँ, वेट वाइज तो ठीक है, वेट वाइज तो कम नहीं है, ठीक है. हाइट के हिसाब से तो अगर 5+ हाइट होता है तो करीब करीब 48-49 तो हो जाता है ना, तो इतना तो वेट ठीक है. मतलब 43-44 तो थोड़ा अंडर वेट के साइड में है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं. हाँ, नहीं ज्यादा अंडर वेट नहीं है, इट्स ओनली ऑन द मार्जिन कह सकते हैं, या एकदम ठीक ही है. तो दैट्स फाइन. देन कुछ डाइजेशन वगैरह में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, स्टमक क्लियरेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, नींद में इम्प्रूवमेंट, मतलब ये सब रिलेटेड चीजें होती ना, बर्थिंग में नहीं भी हुआ ना, तो जैसे आपका बॉल मूवमेंट अच्छा होता होना शुरू हो गया हो, नींद अच्छी आनी शुरू हो गई हो, डाइजेशन थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया हो. बॉल मूवमेंट मतलब आज सुबह उनका हुआ है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं, मतलब हुआ है बट नॉट इन मच, मतलब वेरी, मतलब लार्ज क्वांटिटी ऐसा नहीं है, लेकिन उनका मोशन का हुआ है बट बहुत क्लियर हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन हुआ है ऐसा बोल रही थी वो. तो रात को उनको बोले सोने से एकदम पहले, मतलब जैसे 10 बजे सोना है तो उससे आधा घंटा पहले वॉक एंड रेस्ट करें, शाम को करने की जगह जस्ट बिफोर स्लीपिंग. नहीं, वो वही करती है, रात को सोने से पहले ही वॉक एंड रेस्ट करती है वो. कंटिन्यू मतलब 8 बजे ऐसे डिनर हो जाता है. 2-3 दिन और कंटिन्यू करिए, वर्किंग भी ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे करके लाइन अप हो जाना चाहिए सब कुछ. और डिहाइड्रेशन जहाँ तक है, आपने अभी 6 glass एक ही दिन दिया है क्या? उनका फ्राइडे सैटरडे संडे 3 glass था विथ मील्स और थोड़ा प्यास लगे तो और थोड़ा सा, मतलब 3-4 glass था फ्राइडे सैटरडे संडे. और जैसे आपने कल बोला था 6 glass लेने के, 8 glass लेने के लिए, कल उन्होंने 7 glass लिया था. ठीक है, दोबारा कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अच्छा, कम मतलब आज कितना करें? 6 glass 3 कर लें, 3-4 के बीच में. अच्छा, 3 और 4 के बीच में. ओके, तो उससे ज्यादा खास डिहाइड्रेशन नहीं होगा उनका? नहीं नहीं, इतना नहीं होगा. अच्छा, तो ये करते करते ऑलमोस्ट, और आपको क्या लगता है मतलब कितना दिन चाहिए ठीक होने में? मतलब ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ. अंदाजे से 15 दिन में तो हो जाना चाहिए. 15 दिन में तो अभी तो 5 दिन ही हुआ है. मतलब ये कंटिन्यू ऐसे करेंगे तो वो 15 दिन में ठीक हो जाना चाहिए. 15 के आसपास ही हो जाना चाहिए. ओके,
ठीक है, तो आज उनको 3-4 ग्लास बोलती हूँ, और कल कितना बोलूंगी? कल भी इतना ही कंटिन्यू करिए, ठीक है, उसमें से 3-4 कल भी इतना ही 3-4 ग्लास चलाइए। फिर से बताइए ना, 3 दिन के लिए अभी इतना ही चलाइए, फिर 3 दिन के बाद बढ़ा दीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, और शुगर का मेडिसिन वो नहीं ले रही है? शुगर कुछ लेना चाहें तो छोटा, मतलब कुछ स्मॉल फ्रूट्स कह सकते हैं, या कुछ भी शुगर लेना चाहें थोड़ा सा 1-2 चम्मच ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओके ठीक है, मतलब मील्स के साथ ऐसे एक फ्रूट्स ले सकती है? हाँ ओके ठीक है, थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, बाय।